अगर तूने बचपन से कालू, काला डांबर, कलमू हुए ये सब कुछ सुना होता ना, तो तेरे लेवल पे भी मैं हक चुका होता। बचपन से ही मुझे मेरे रंग से मुझे चिढ़ाते हैं, पर अब देखो और अब खुद ही इतना जल जल के काले हो गए ना कि अरे लेकिन इन सब से उस लड़की की इज्जत खराब होगी ना। होने देना, इसमें उसकी क्या गलती है यार। तो गलती तो मेरी भी नहीं थी। अरे वो सब लड़के तेरे ही दोस्त है ना, उस लड़की के नहीं। फिर तो प्रॉब्लम ही खत्म हो गया। अरे कालिया प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई है, असली ड्रामा तो अब शुरू हुआ है यार। मतलब? मतलब तू और वो लड़की। मतलब तेरा और उस लड़की का चक्कर चल रहा है। ये सब झूठ है, ये सब तूने अपने दोस्तों को जलाने के लिए किया ना प्रीतम। हाँ किया तो। अरे तूने तो दोस्तों के बीच अपनी इज्जत बढ़ा ली, पर उस लड़की का क्या? मतलब? अरे मतलब ये, तेरे दोस्तों ने दूसरों को बता दिया तो? नहीं नहीं, वो लोग ऐसा नहीं करेंगे। वो खुद की हार इतनी जल्दी मानने वालों में से नहीं है। पर तू भी किसी को कहना मत। अरे मैं किसी, मेरी फिक्र तुम मत करो, लेकिन ख्याल रहे उस लड़की की बदनामी ना हो। निकलता हूं मैं। अरे गलती कर रहा है तू। ए कालिया, अरे गलती कर रहा है तू। इस तरह झूठ बोलेगा तो फंस जाएगा एक दिन। बात सुन, तू तो फंसेगा ही फंसेगा प्रीतम, उसको भी साथ लेकर डूबेगा। अब जो हो रहा है होने दो, मैं नहीं डरने वाला। कैसी चल रही है तुम्हारी लव स्टोरी? हाँ ठीक चल रही है। क्यों झूठ बोल रहा है? उसके लिए रिश्ता आया है, वो जाने वाली है, जाकर मिल। मैं क्या कहता हूँ, तुम दोनों जाकर शादी कर लो। हाँ देख लेंगे देख लेंगे। अरे देख क्या लेगा, जाकर उससे शादी कर ले। अरे जरा रुक, पहले मुझे सेटल तो होने दे। रुक आ रहा हूँ। बेवकूफ, हम सब में सबसे ज्यादा सेटल तू है, ये बात पूरा गांव जानता है कि दूध का धंधा तू संभालता है। हाँ। और तेरा बाप दारू मार के पड़ा रहता है। हाँ वो तो है। और कितना सेटल होना चाहता है? अरे वैसा नहीं है, वो कहती है इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है। और कब तक झूठ बोलेगा? कैसा झूठ, उस दिन बस स्टॉप पे तुमने देखा था ना, वो सब के सब बेवकूफ हैं, पर मैं बिल्कुल नहीं। मैंने देखा है कि उस दिन बस स्टैंड पर क्या हुआ था। हाँ मैं तेरे पैर पड़ता हूं, मुझे माफ कर दे। और ये सब कुछ अगर गांव में पता चला ना, तो गांव में क्लेश होगा, वो लोग मुझे मार डालेंगे। मैं जानता हूं, इसीलिए तुझे यहां लेकर आया हूं। तो कुछ कर वरना शहीद हो जाएगा। तब आज तक मैं सब कुछ झूठ कहता आया हूं, पर आज सच बोलूंगा।
मैं सचमुच उससे प्यार करता हूं। होगा नहीं होगा वो मुझे कुछ पता नहीं, कसम से मैं उससे सच्चा प्यार करता हूं। सब कुछ गड़बड़ कर दिया है तूने। चल तू घर जा, तेरी भैंसें भूखी होगी, बाकी देखते हैं क्या होता है। ईश्वर से बस एक ही प्रार्थना है, बस इस कालिये का स्वच्छ और सुंदर मन उस लड़की को भा जाए। लेकिन जैसे लोग राजनीतिक खेल को समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए सुवर्णा भी जो लव गेम शुरू होने वाला था उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। वो मुझसे बहुत दूर है, वो एक चमकता चांद है और मैं अमावस की काली रात। कैसी हो सकती हो तुम मेरी? दोस्तों को फंसाना है इसलिए मैंने सुवर्णा नाम का भंवर इनके पीछे लगाया और मैं खुद इस भंवर में फंस गया।